जीव जंतुओं की करोगे जब रक्षा तभी होगी पर्यावरण की सुरक्षा। अगर हम ऐसा कहें तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। SDG का 15वां गोल भी जीवों के संरक्षण पर है। कैसे हम थलीय जीवों की सुरक्षा, थलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण, पुनर्जीवन और संवर्धन, वनों का सतत प्रबंधन, मरुस्थलीकरण का सामना और भूमि क्षय को रोकना और इनको सुधारना और जैव विविधता की हानि को कैसे रोकना है। शहरीकरण पिछली सदी और वर्तमान काल की सर्वाधिक प्रमुख घटनाओं में से एक है, जिससे भूमि उपयोग में वैश्विक स्तर पर व्यापक परिवर्तन आए। इसका मनुष्य के पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा असर पड़ा। एक अध्ययन के मुताबिक 8300 ज्ञात पशु नस्लों में से 8% लुप्त हो चुकी है और 22% खोने की कगार पर। ऐसे ही 1.3 हेक्टेयर वन हर वर्ष गायब हो रहे हैं, जबकि भूमि के निरंतर विनाश के कारण 3.6 अरब हेक्टेयर इलाका मरुस्थल हो गया, जबकि दुनिया के 2.6 अरब लोग सीधे तौर पर खेती पर निर्भर है। लेकिन 92% खेतों की मिट्टी सामान्य या गंभीर रूप से प्रभावित है। आजकल मानवीय गतिविधियां, जलवायु परिवर्तन, वृक्षों का कटाव और मरुस्थलीकरण मानव के सतत विकास में एक बड़ी चुनौती पैदा करता है। मरुस्थलीकरण ही बढ़ने मात्र से प्राकृतिक वनस्पतियों का नुकसान, कृषि उत्पादकता प्रभावित, पशुधन और क्लाइमेटिक घटनाओं में नकारात्मक परिवर्तन होता है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं पंजाब के क्रमशः 4, 3, 5 और 2 जिलों में मरुस्थलीकरण का प्रभाव साफ दिखाई देने लगा है। वनों की अंधाधुंध कटाई और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली इंसानी गतिविधियों के कारण धरती लगातार संकुचित होती जा रही है, उपजाऊ जमीन बेकार होते जा रहे हैं। वहीं मरुस्थलीकरण के कारण हर साल लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं। हमें पता है कि सतत विकास के लिए जमीन और वन बुनियादी अंग है। पृथ्वी की सतह के 30% हिस्से पर वन है। ये वन खाद्य सुरक्षा, छत देने के अलावा जलवायु परिवर्तन का सामना करना, जैव विविधता की रक्षा करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। एक आंकड़े के अनुसार जीव जंतुओं, पशु, पौधों और कीटों की कुल संख्या 80% से अधिक वनों में निवास करता है। इस समय 1.6 अरब लोग भी अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर है। इनमें से करीब 7 अरब लोग मूल निवासी हैं। इंसान की 80% से अधिक खुराक पौधों से आती है। चावल, मक्का और गेहूं 60% ऊर्जा देते हैं। इसके अलावा विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहते 80% से अधिक लोग अपने बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल के लिए पारंपरिक औषध वनस्पति पर निर्भर हैं। भारतीय संस्कृति में धरती को ऐसे ही माँ का दर्जा नहीं दिया गया। धरती हर जीव और पेड़ पौधों को ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र देती है जिसमें वह रहने, खाने के साथ प्रजनन कर जीवन को आगे बढ़ाता है। SDG 15 भी धरती पर जीवन कैसे संरक्षित करें, इस उद्देश्य को लेकर नीति और अमल करने की बात करता है। इसलिए सरकार, लोग और संस्थाओं को किसी विकास कार्य को शुरू करने से पहले गहन विचार कर लेना चाहिए कि कहीं किसी विकास के लिए सैकड़ों हजारों जीवों की अनदेखी तो नहीं हो रही, क्योंकि धरती का हर एक जीव हमारे जीवन के सतत विकास के लिए जरूरी है।